ठीक सर, कल ही वाला काम करते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे, काम पूरा करते हैं। भैया तुम ले जाओ उनको, और भैया तुम मेरे साथ चलो, भैया अरे तुम चलो मेरे साथ। अरे उन्हें कहले जाओगे यार? अरे रुको तो सर, इनके सामने रखना जरूरी होता है, कहाँ रखा है क्या किया। अब मोटरसाइकिल बैठा लो, मोटरसाइकिल आप बैठ लो, हमारे टेम्पो की चिंता ना करो, मोटरसाइकिल बैठा लो। कौन जाएगा रजनीश? चले जाए, जाओ लिख रखो आओ। हाँ आप ही लिखो ना, क्यों हमने फोन कर दिया? क्या पूरी घटना हुई, तो किस तरीके से बॉडी आपके घर में मिली है? साहब कल ले आओ, डेज खाना आओ तो नोएडा से जाहिर हो तो वापसी वापस जाएगी। इतने टाइम 6:30 बजे यहाँ आओ, इनके यहाँ इनसे जान पहचान थी, ये दुकान वकान रखे थे, वहीं जो कमरा लिए वहाँ रहते थे। अच्छा, तो उसी वजह से यहाँ प्रेम व्यवहार में आए यहाँ, तो यहाँ 6 बजे तक इसकी माँ ने फोन किया, बात होती रही, 6 बजे के बाद फिर इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये इनकी हत्या हो गई, यहाँ पे बॉडी गार्ड दी गई? हत्या तो सवेरे के जैसे जब फोन इनसे किया, डोकरी इनकी डोकरी धर्मेंद्र की डोकरी थी, तो इन्होंने बेटा बंद कर लो, अंकित गए थे वो कहाँ आए, तो वे बोली कि अंकित तो आए थे और तुरंत ही चले गए, तुरंत ही जो चले गए तो बोला नोएडा पहुंच जाते, नोएडा फोन किया कि वहाँ पर आए, वहाँ कोई गया नहीं, तब जानकारी देखी भाई, तब इनसे पूछा बाजी करी थी, हम कहीं कहाँ पर रहती तुम, कहीं हम तो किराए पर पहले कहीं किराए पर लिए हैं, फिर हम कहीं किराए पर तो लिए कौन मोहल्ले में, कहीं मोहल्ला हमको मालूम नहीं, तो हम कहीं मोहल्ला नहीं मालूम, तो ऐसा करो हम आ ही रहे हैं आप रोड पर, हमें मिल जाना वहाँ, तब बस जो ही हम आए 11 बजे करीब, तब देखो आए यहाँ पता लगाओ, पता ही ना इनको फोन उन्हें स्विच ऑफ कर लिया, उसके बाद ढूंढा खकोरी इधर उधर पूछते रहे, आखिरी में जय गली रहेगी तब यहाँ पर आए तो कुछ पता चला। अच्छा, ये बेटा आपका क्या करता था? जो सिलाई करता था, कहाँ? नोएडा। अच्छा, एक बात यह है कि जो इसके साथ जो शादी की थी, किस तरीके से इसकी शादी हुई थी, क्या जो इसके जो दुकान रखे तो जय धर्मेंद्र, तो उसी दुकान पर जो भी दुकान चलाती हुई उसी वजह राशन लोग वहाँ लेते थे, 40 कमरे थे उसी प्लॉट में, तो उसी कमरे में जो वहाँ जैसे रहते थे सब लोग, वहाँ कहाँ? नोएडा में, बहलोलपुर में। अच्छा, गुजर लोग उनके मकान बने हैं जैसे, तो 40 कितनी गहराई में इसकी बॉडी मिली है, क्या जमीन में दबा दी थी क्या? और क्या, खोदी गई, खुदी वही गड्ढा रखा है, खोदी गई है। अच्छा, ये किसने, लड़की ने बताया, किसने बताया आपको कि ये बॉडी जमीन में गड़ी हुई? वो तो लड़की ने बताया, वो जो इसकी पत्नी थी। जी जी। अच्छा, इसको मारा किसने, जो अभी जानकारी मिल पा रही हो, जैसी भी आपको मिल पा रही हो? मारा तो वो तो बता रही लड़की, बाप ने मारा, मातारी ने मारा। लड़की कहाँ है अभी? लड़की अभी तो साहब के पास थी, उधर अंदर ही बैठी थी। अच्छा, अंदर ही है। क्या नाम है उस लड़की का? नेहा। इसका क्या नाम था जो लड़का मृतक है? अंकित। अंकित, कितनी उम्र थी इसकी? इसकी उम्र करीब 25 साल थी। अच्छा, इसने प्रेम विवाह किया था? हाँ, प्रेम विवाह जैसे करो, हमें साहब नहीं मालूम हो पाया, लेकिन जब इसको होने दुकान थे इसको कॉन्टेक्ट, मतलब कुल मिला के आपको ही पता ही नहीं है कि शादी हुई है? हाँ, जैसे हम तो नोएडा जाते नहीं, हम तो अपनी खेती करते हैं जैसे गांव में। अच्छा। हाँ, तो हम तो यहीं पे लगे रहते। आपके गाँव का क्या नाम है? हमारा नाम सरा है। सरा। अच्छा, सरा इसी जनपद के रहने वाले हैं? जी, रुखा। ठीक, बहुत ऊपर कैमरा है, उससे बहुत अलग है, आप देख ले। मैं नहीं।
चलिए अंदर बहुत 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 ऊपर है, बहुत ऊपर है। चाहिए भैया एक शॉट चाहिए जो बंद मार में एक मिनट रुक जा वो जो खुदाई भाई बाको शॉट डालने एक खुलियो है अरे उसको खोल दो थोड़ा जो इसीलिए बंद हो रहा। अच्छा जाम है हाँ, हाँ। अधिकारी ना है अधिकारी बाइट दे रहे थे अधिकारी से बात हो गई आपके जो मेन अधिकारी थे एस पी साहब उन्होंने बताई थी वैसे साहब ऐसे अब रहन दो कौन आ रहा तुम कौन We'll be right back.